नमस्कार दोस्तों, देखिए रुक जाना नहीं, जो कि आप लोग कह रहे थे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस बताइए आपको, तो मैं आपको रुक जाना नहीं के लिए लेकर आया हूँ। यही सप्लीमेंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन रहता है जो कि 4 अंक का पूछा जाता है, जो कि 12 चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन आपको कर लेना है। महाराणा प्रताप वाला चैप्टर है, ठीक है, महाराणा प्रताप वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें से एक यही पूछा जाएगा कि वो महाराणा प्रताप कौन थे और एक भामा शाह, इन दोनों में से अगर आप कर लेते हैं तो यही 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल 4 क्वेश्चन है, इसमें से आप 3 कर लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपका एक 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है, 4 अंक का, तो वे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट डज द स्पीकर वांट टू लोड टू डू एट फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम, तो आपको बताना है जो अंधेरे से इस जो कविता में क्या तात्पर्य था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, ठीक है, और प्रकाश से क्या तात्पर्य था, कविता जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो देखिए लगभग 43 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें मैं आपको क्वेश्चन कम बताऊंगा, पहले आप देखते जाइए वीडियो, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द पोएट वांट गुड टू लाइट द लैम्प, ठीक है। तो ये शायद गलती से हो गया, गॉड कर लेना आप यहाँ पर, GOD, ठीक है, गॉड लग गया है गलती से, ठीक है, गॉड लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि हु इज नोवल ब्रेव एंड वाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है बुद्धिमान, ठीक है, नोवल ब्रेव एंड वाइज कौन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी प्रे फॉर, ठीक है, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, तो आपको बताना है जो छोटा बच्चा था उसका क्या कर्तव्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको कर लेना है, रुक जाना नहीं के। इसके बाद है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन, तो जो छोटे जो कह रहा है कि वह यानी जो लड़का था उसने आपको अपने आप को यानी हिमसेल्फ यानी अपने आप को कैसे योग्य बनाया एबल टू चलने के लिए और दौड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नॉन एज शहीद आजम, तो आप सभी लोग जानते हैं भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह को ही जाने जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द 3 पैट्रियट्स हु सेक्रीफाइज देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय 3 रेवोल्यूशनरीज, तो जो 3 क्रांतिकारी थे 3, वे उन्होंने कौन सा नारा दिया था, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेट ऑफ भगत सिंह, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने 4 के लिए आपको बता दिया है, जो कि आपका 12 चैप्टर है, उसमें 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब होगा आपके मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने ये क्वेश्चन ये फोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए, मात्र पाइए 3 सेकेंड उसका वीडियो सॉल्यूशन। अब क्लास 6 से 12 तक और नीट IIT जीमेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करिए। व्हाट डिड सरदार किशन सिंह टू डू अवॉइड एनी अननोन एक्सीडेंट, ठीक है, ये करना चाहे तो कर लीजिए, ज़्यादा इतना नहीं है लेकिन फिर भी दे दिया मैंने। इसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017-18 में पूछा जाता। इसके बाद है वेयर डू द विंडोज ओपन इन द चिल्ड्रेन, ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यह है कि व्हाट लाइंस इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोएट एंड व्हाई, ठीक है, तो आपको समस्याएं बताना है कवि की और क्यों थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज चर्बी कॉप, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स क्या अभी टेक्स्ट बुक के आपको मैंने बताया, वैसे तो ये लगभग 43 क्वेश्चन है, अगर आप पूरे क्वेश्चन चाहिए तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, फुल टेक्स्ट बुक प्लस वर्क बुक के आपको वहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।